हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विद निकिता। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटपैड। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। और गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोट, सो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं वीडियो में ही या तो स्टार्ट में बता दूँगी या फिर मिड में या फिर लास्ट में, कहीं पर भी वो नोट्स हो सकता है, लेकिन गाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा और पूरे केयरफुली से आप लोग पढ़िएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। इसका डेफिनेशन है गाइज, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि विंडो का है, जिसका यूज़ किया जाता है क्रिएटिंग शॉर्ट नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट बनाने के लिए। ठीक है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड इज .txt। गाइज, नोट पैड का एक्सटेंशन होता है, दैट मीन्स की सेकेंडरी नेम वो होता है .txt। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, ऑब्वियसली हमने पहले ही पढ़े हुए। ओके गाइज, सो अब पढ़ते हैं नोट पैड का पाथ, यानी कि नोट पैड को हम लोग ओपन कैसे करेंगे। सिंपल गाइज, आप लोगों को स्टार्ट पर क्लिक करना है, देन जाना है ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर एक्सेसरीज, देन नोट पैड, एंड ओपन हो जाएगा। देन गाइज, आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि गाइज आपको सबसे स्टार्टिंग लाइन में आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड वन। दैट मीन्स कि हमने उस फाइल का नेम अभी तक सेव नहीं किया है, दैट्स वाई वो अनटाइटल्ड वन शो कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग न्यू करेंगे ना तो अनटाइटल्ड टू शो करेगा। ओके, सो गाइज, इसको आप जानते हैं, इसको टाइटल बार कहते हैं, नेक्स्ट वाले लाइन को मेन्यू बार कहते हैं, और लास्ट वाले लाइन को टास्क बार कहते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट लाइन में आप लोग देख सकते हो फाइल एंड एडिट मैंने लिखा है, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइल और एडिट के बारे में बता दूंगी, और भी कुछ कुछ ऑप्शंस के बारे में बता दूंगी। चलिए पढ़ते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है हमारा फाइल मेन्यू। गाइज, फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा न्यू। सो टू क्रिएट अ न्यू अनटाइटल्ड फाइल, एक न्यू अनटाइटल्ड फाइल क्रिएट करने के लिए हम न्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपन, टू ओपन टू द सेव्ड फाइल, जो हम सेव फाइल कर रखे हैं, जो कि हमारा फाइल ऑलरेडी बना हुआ, उसको हम सेव किए हुए, उस फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लोज, टू क्लोज द करेंट फाइल, जिस फाइल पर अभी हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, उसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेव, टू सेव दी अनटाइटल्ड फाइल ऑन टू द डिस्क, जो हमारा अनटाइटल्ड फाइल है उसे हम सेव कर सकते हैं डिस्क में। सेव एज, टू सेव विद डिफरेंट नेम और लोकेशन। गाइस, सेव एज का यूज़ किया जाता है, वही फाइल को कोई और नेम से हम लोग सेव कर सकते हैं, या फिर कोई और लोकेशन। लोकेशन मीन्स कोई भी और ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव है आप किसी और ड्राइव में सेव कर सकते हो, किसी और नेम से भी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप। सो गाइस, इसका हम यूज़ करते हैं टू सेट द पेपर साइज एंड मार्जिन्स अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग। गाइस, इसका यूज़ करते हैं हम लोग पेपर का साइज को सेट करने के लिए, और साथ ही मार्जिन्स को सेट करने के लिए, यानी कॉर्नर्स को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग, जैसा हमें प्रिंट करना है उस अकॉर्डिंग। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिंट, ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, टू गेट द हार्ड प्रिंट आउट ऑन पेपर, प्रिंट आउट करने के लिए, एक हार्ड प्रिंट आउट पेपर में करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट, टू क्लोज दी नोट पैड सेशन, डायरेक्टली नोट पैड सेशन जो हमारा पूरा इंटरफेस खुला हुआ है उसी को हम लोग क्लोज करने के लिए इस एग्जिट का यूज़ करते हैं। सो गाइज, देख लेते हैं पेज सेटअप को ओपन करेंगे तो हमारा इंटरफेस कैसा आएगा। सो गाइज, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि पेज साइज़ आप लोग सेट कर सकते हो, A4, A3, A2, जो भी आपका साइज़ होगा उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। देन आप लोग को नीचे देख रहे होंगे मार्जिन्स, या आप इंच के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब आपको टॉप में कैसा चाहिए, बॉटम में कैसा चाहिए, लेफ्ट राइट कैसा चाहिए, आप उसमें साइज़ आप सेट कर दो टाइप करके, एंड देन ओके, हो गया, पेज सेटअप हो गया। इट्स रियली वेरी सिंपल एंड सो अमेजिंग। सो गाइज, अब देख लेते हैं, अगर हम सेव या फिर सेव एज को ओपन करेंगे तो फिर उसका इंटरफेस कैसा आने वाला है। सो गाइज, आप देख सकते हो इसमें आएगा सेव इन, जो भी आपको ड्राइव में सेव करना है उस पर आप सेलेक्ट करके ओके कर लेना, और आपका फुल नेम क्या होना चाहिए, फुल नेम आप दे दो उसमें,
मैं दी हूँ यहाँ पर डाटा, कुछ भी मैंने दे दिया, एंड देन सेव, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है इसमें, आप डाटा टाइप किए हैं उसमें डॉट txt अपने आप ही लग जाएगा। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट मेन्यू। गाइज, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हो। इसमें फर्स्ट है हमारा अंडो, इट कीप्स द लास्ट चेंजेस, दैट मीन्स कि हमारा जो लास्ट चेंज हमने किया, लाइक हमने कुछ टाइप किया या फिर कुछ इरेज किया, कुछ कट किया, कुछ कॉपी किया, कुछ भी किया हमने, वो उसे स्टोर करके रखता है। और अगर हम चाहते हैं, लाइक हमने कहीं कट किया है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि नहीं वो फिर से रिटर्न आ जाए, तो हम अगर अंडो करेंगे तो वो फिर से वही वर्ड हमारा रिटर्न आ जाएगा। ओके, एंड गाइस नेक्स्ट है हमारा कट और कॉपी। कट कॉपी का प्रोसेस एक ही है, टू कट और कॉपी टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। हम लोग कुछ भी, अगर कोई भी हम लोग वर्ड लिखे हैं उसे हम चाहते हैं कट करना या फिर कॉपी करना, तो उसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्टली, एंड देन उसमें ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कट और कॉपी का, फिर जो भी करना है आप कर सकते हो। गाइस, इन दोनों का शॉर्टकट की है। कट के लिए आप विदाउट आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस एक्स, जिससे कि आपका कट का ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। एंड कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी, सिंपली वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए एंड कंट्रोल प्लस सी कर लीजिए तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स कर लीजिए तो कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस हमारा पेस्ट। सो इसका भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। ओके, सो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, पेस्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं टू पेस्ट द कट कॉपी टेक्स्ट आउट द डिजायर्ड प्लेस। सो गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी हमने वर्ड को कट किया या फिर कॉपी किया, हम उसे पेस्ट कर सकते हैं ऑन आवर डिजायर्ड प्लेस। जहाँ पर भी हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल। टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। गाइस, जितने भी कंटेंट्स हमने उसमें टाइप करके रखे हैं उस फाइल में, सभी को सेलेक्ट हमने एक साथ ही कर सकते हैं इस सेलेक्ट ऑल ऑप्शन के थ्रू पर। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस हमारा क्लियर। टू इरेज टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। गाइस, जितने भी हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसे हम लोग डायरेक्टली इरेज कर सकते हैं, बार बार हमें बैक स्पेस का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट गाइस हमारा डेट एंड टाइम। टू पेस्ट द करेंट सिस्टम डेट एंड ऑल्सो टाइम ऑन कर्सर पोजिशन। सो गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी हमारा और या फिर टाइम हम जहाँ पर भी चाहें उसे पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ ये पेस्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइंड। टू सर्च और फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड लाइन कैरेक्टर इन अ फाइल। गाइस, हम लोग कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी कैरेक्टर को हम लोग किसी फाइल में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। बस इसमें थोड़ा फंडा अलग है हमारा, ये बस फाइल के बीच में हमारा वर्ड, हमारा लाइन या फिर हमारा वो कैरेक्टर हमें ढूंढ करके देगा। सो गाइस, हम लोग फाइंड का यूज़ कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए, अगर आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग में ही शो कर रहा है फाइंड वर्ड। अब क्या करना है, तो उस बॉक्स में आपको फिल करना है अपना फाइंड वर्ड, यानी कि सर्च वर्ड, जो भी आपको फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो। अब आपको उसे ये कमांड देना होगा कि आपको अप डायरेक्शन में सर्च करना है या फिर डाउन डायरेक्शन में। तो मुझे डाउन डायरेक्शन में सर्च करना है, तो मैंने डाउन पर टिक आउट किया एंड फिर फाइंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। देन आपको ये सर्च करके बता देगा कि आपका ये जो सर्च वर्ड है कौन से लाइन में है आपकी उस फाइल में। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट मेन्यू। गाइस, इसमें भी हमारा फॉन्ट एंड वर्ड रैप। गाइस, सेट फॉन्ट का हम लोग यूज़ करते हैं सेटिंग ऑफ लेटर, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। ओके, सो आप लोग समझ रहे होंगे गाइस, इसका हम लोग यूज़ करते हैं लेटर की सेटिंग के लिए, फॉन्ट के स्टाइल या फिर साइज को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो द गाइस, नेक्स्ट है हमारा वर्ड रैप। ओके, सो टू रीच टू द कर्सर टू द फर्स्ट लाइन इन फर्स्ट लेटर। गाइस, सपोज कि आपने बहुत ही ज़्यादा लंबा एकदम पेज लिख दिया, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट आपके हो गए, दो तीन पेज का आपने लिख लिया। अब आप चाहते हो ना स्टार्टिंग से रीड करना, तो आप ऑब्वियसली कर्सर पे धीरे धीरे ऊपर जाओगे,
फिर जा कर के आप फर्स्ट वर्ड पे जाओगे, लेकिन उतना करने की ज़रूरत ही क्या है भाई। आप सिंपली वर्ड रैप पे क्लिक करो, वो आपको फर्स्ट लाइन पे एंड फर्स्ट वर्ड पे आपको लेकर के चल जाएगा। फिर आप रीड करते रहो, जो भी आपका मिस्टेक है उसे आप करेक्ट कर लो। सो था ना ये बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। सो गाइस, जब आप सेट फॉन्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आप लोग के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। ठीक है, तो फॉन्ट का आपको नेम दिया हुआ रहेगा, जो भी आपको जो भी स्टाइल पे लिखना है उस स्टाइल पे आपका लिखा हुआ रहेगा, और वो फॉन्ट का नेम भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ सैम्पल में आपको शो कर देगा किस टाइप का आपका स्टाइल है। ठीक है, अभी स्टाइल में आपका जो लिखा हुआ रेगुलर बोल्ड इटैलिक बोल्ड इटैलिक, आप जैसे रेगुलर में करोगे ना, नॉर्मली हम लोग जो लिखते हैं ना एकदम नॉर्मल लेटर पे, उस टाइप का आपका आ जाएगा। बोल्ड लिखोगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, इटैलिक में थोड़ा कर्सिव हो जाएगा, एंड बोल्ड इटैलिक ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हो, इटैलिक जिस टाइप का डिज़ाइन होगा बस उसी में थोड़ा डार्क हो जाएगा। दैट्स इट। अभी साइज़, आपको जैसा साइज़ चाहिए उस पर आप क्लिक कर लो, साइज़ हो जाएगा। सैम्पल में आप देख लेना, आपको जैसा पसंद आ रहा आप उस अकॉर्डिंग जस्ट ओके कर लीजिएगा, हो गया आपका साइज़, फॉन्ट साइज़ चेंज, फॉन्ट स्टाइल चेंज। तो अब जब सब चेंज ही हो गया तो पेज को भी चेंज ही कर लेते हैं। सो गाइज, ये है आपके लिए एक सरप्राइजिंगली नोट्स। गाइज, यही था जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोली थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। सो गाइज, ये है आपका नोट। फर्स्ट है गाइज अंडो, ये सब शॉर्टकट की है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला गाइज। तो चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा अंडो, जो कि कंट्रोल प्लस जेड आप करोगे तो अंडो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको कुछ फाइंड करना है तो F3। ठीक है, थर्ड है गाइज हमारा फाइंड, अब फाइंड ऑप्शन को इनेबल करना है तो कंट्रोल प्लस F। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस, उसके लिए कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट है हमारा गो टू, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस G। गाइज, गो टू का ऑप्शन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कुछ वीडियोस आने दीजिए, उसमें भी है गो टू का भी ऑप्शन है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट गाइज हमारा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, आप लोग को सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट कर देगा तो कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा सारा सेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइम एंड डेट, उसके लिए F5। एंड लास्ट हमारा बट नॉट द लिस्ट डिलीट, जो कि है डेल, आप लोग के कीबोर्ड में होगा, सिंपल डेल का बटन पर क्लिक कीजिए और डेल डिलीट हो गया, और क्या। सो गाइज, ये था इम्पॉर्टेंट की नोट्स आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। गाइज, इस वीडियो के लास्ट में मैंने कोई एडिटिंग नहीं डाली है, पता है क्यों? बिकॉज आप मेरी आवाज़ भी सुनते रहो और इस नोट्स को बनाते भी रहो, और मे बी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप ऑब्वियसली लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सो होप सो कि आप लोग के थ्रू पर भी हमें उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना सपोर्ट मैं आप लोग करना चाह रही हूँ। गाइज, मोटिवेट कीजिए मुझे, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया है, मीन्स वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं मिलता, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब वीडियो तो बना रही हूँ, हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, इतने सारे नोट्स लिखने पड़ते हैं, पहले तो बोर्ड में नोट लिखो, फिर उसको फ़ोटो क्लिक करो, फिर उस पर बनाओ, वीडियो एडिट करो, देन अपलोडिंग, और उसके बाद भी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, जस्ट इमेजिन कि कैसा फील होता होगा। सो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी, थोड़ा तो मोटिवेट करो आप लोग, एटलीस्ट आप नहीं भी ना तो आप अपने 5 फ्रेंड्स को ही शेयर करो ना, ज़्यादा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने 5 फ्रेंड्स को ही शेयर कर दो, या फिर 5 फैमिलीज़ को शेयर कर दो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना एंड अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।